सो हेलो विजार्ड विच और अनजान मगलू लोगों, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर ज़रूर फॉलो कर लेना। और जो लोग इंटरेस्टेड हो मेरे चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए वो इजीली ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो दोस्तों, ट्रिविजा टूर्नामेंट के जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो गोबलेट ऑफ फायर के द्वारा चुने जाते हैं और गोबलेट ऑफ फायर के द्वारा चुने हुए स्टूडेंट बाद में पीछे नहीं हट सकते, फिर उन्हें ट्रिविजा टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना ही होगा, क्योंकि जिस स्टूडेंट का नाम गोबलेट ऑफ फायर निकालती है उस स्टूडेंट की एक तरीके से मैजिकल बॉन्डिंग हो जाती है गोबलेट ऑफ फायर से, और मैजिकल बॉन्डिंग को तोड़ना बहुत मुश्किल है या फिर इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अनब्रेकेबल वाव, ब्लड पैक्ट, ये भी एक तरीके की मैजिकल बॉन्डिंग है। इसी रीजन के चलते एल्बस डम्बलडोर ने हैरी पॉटर को पार्टिसिपेट करने से नहीं रोका, क्योंकि गोबलेट ऑफ फायर से मैजिकल बॉन्डिंग तोड़ने का क्या नतीजा होगा वो किसी को नहीं पता, और हैरी पॉटर का नाम बार्टी क्राउच जूनियर, जो फेक मूडी बना हुआ था, उसने डाला था। बट यहाँ सोचने वाली बात यह है कि बार्टी क्राउच जूनियर ने गोबलेट ऑफ फायर को इतनी आसानी से चकमा कैसे दे दिया? आखिर उसने ऐसा किया क्या था जो वो हैरी पॉटर का नाम डालने में सक्सेसफुल रहा? तो दोस्तों, बार्टी क्राउच जूनियर फेक मूडी बनके आया था ताकि हैरी पॉटर को ट्रिविजा टूर्नामेंट के जरिए लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट तक पहुंचाया जा सके, ताकि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को हैरी पॉटर का ब्लड मिल जाए और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट अपनी बॉडी वापस लाने की प्रक्रिया पूरी कर पाए। बट जब वो स्कूल आया तो एल्बस डम्बलडोर ने और मिनिस्ट्री ने यह तय कर लिया था कि 17 साल से कम उम्र वाला स्टूडेंट ट्रिविजा टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बट बार्टी क्राउच जूनियर ने फिर भी सक्सेसफुली हैरी पॉटर का नाम गोबलेट ऑफ फायर में डाला कन्फंडस चार्म की बदौलत। द कन्फंडस चार्म वाज अ चार्म विच कन्फ्यूज एंड मिसडायरेक्टेड द टारगेट। और दोस्तों, कन्फंडस चार्म से एक ही तरीके की कन्फ्यूजन नहीं होती है, वर्तमान स्थिति से अनजान होने, महत्वपूर्ण जानकारी को भूलने या विशेष रूप से प्रभावशाली बनने से लेकर वर्तनी के कारण होने वाले भ्रम की अलग अलग डिग्री है। और दोस्तों, ये स्पेल ना केवल जीवित प्राणियों पर काम करती है बल्कि यह संवेदनशील वस्तुओं को भी प्रभावित करने में सक्षम है, जैसे कि बार्टी क्राउच जूनियर ने गोबलेट ऑफ फायर पे किया। गोबलेट ऑफ फायर खुद अपने में काफ़ी शक्तिशाली है और ये काम करना काफ़ी ज़्यादा कठिन, बट फिर भी बार्टी क्राउच जूनियर ने ये काम करा। और आप लोगों को एक बात और बता दूं कि बार्टी क्राउच जूनियर ने इस तरह से कन्फंडस चार्म का इस्तेमाल किया था कि गोबलेट ऑफ फायर को ये भी पता नहीं कि हैरी पॉटर किस स्कूल से है, उसे यह भी पता नहीं है कि क्या वो हॉगवर्ट्स से ही है। हैरीज नेम एज द 4th कंटेस्टेंट फ्रॉम एन अनस्पेसिफाइड स्कूल। साथ ही साथ बार्टी क्राउच जूनियर ने ट्रिविजा कप पे भी पोर्ट की सेट की हुई थी ताकि हैरी पॉटर कप को पकड़ते ही लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के पास पहुंच जाए, और इन चीज़ों से आप बार्टी क्राउच जूनियर की मैजिकल नॉलेज और उसमें कितनी बुद्धि है इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मूवी में हमें बार्टी क्राउच जूनियर के बारे में इतना नहीं बताया है, बट वो काफ़ी इंटेलिजेंट विजार्ड था। हॉगवर्ट्स में फेक पर्सनैलिटी के साथ घुसना कोई आसान काम थोड़ी है। तो दोस्तों, एक कन्फंडस चार्म की बदौलत बार्टी क्राउच जूनियर जैसे विजार्ड ने गोबलेट ऑफ फायर के साथ इजीली छेड़छाड़ कर दी, एक ऐसी चीज़ के साथ जो अपने में ही काफ़ी शक्तिशाली है। तो इस चीज़ से ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि बार्टी क्राउच जूनियर काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट विजार्ड था और मैजिकल एबिलिटी भी उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थी। और दोस्तों, आई डोंट थिंक कि ये काम कोई आम स्टूडेंट या आम विजार्ड लाइक पीटर पैटिग्रू जैसा विजार्ड ये काम कर सकता है, क्योंकि गोबलेट ऑफ फायर अपने में ही बहुत शक्तिशाली है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। Yes,